वेलकम बैक टू स्टडी 360। होप यू आर डूइंग फाइन। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, वेदर इट इज़ इन 2022, 23, 24, तो एक एक करके हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ पार्ट वन। और जो भी चैनल पर न्यू है, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर वन है आपकी स्क्रीन पर, वट इज़ द अनदर नेम ऑफ रघुर सॉयल इन इंडिया। ठीक है, रघुर सॉयल का आपने दूसरा नाम बताना है। इंडिया में रघुर सॉयल को और किस नाम से जाना जाता है, राइट? तो क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर बन जाता है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक कॉटन सॉयल। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉयल इज ऑल्सो नाउन एज रघुर सॉयल इन इंडिया। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे, ये हमें कहाँ पर मिलेगी, जैसे जो साउदर्न प्लान्स हैं, साउदर्न एरिया जो है, लाइक आपका आ जाता है गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद आप देख लेंगे कर्नाटका, कर्नाटका देन महाराष्ट्र, इन एरियाज़ में ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये ब्लैक कॉटन सॉयल जो है, ब्लैक कॉटन सॉयल में मैनली जो है कॉटन यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, उसके साथ साथ पल्सेस होती हैं, पल्सेस के साथ साथ यहाँ पे जो शुगर कैन है, इन चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, राइट? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख सकते हो, दोनों क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट एंड सेकंड जूनियर असिस्टेंट के शिफ्ट में पूछे गए हैं 2022 में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने स्क्रीन पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ कोरल रीफ सिस्टम इन इंडिया, राइट? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है कि कोरल रीफ सिस्टम इंडिया में इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर बन जाता है, दैट इज़ नेत्रानी आइलैंड। ठीक है, नेत्रानी आइलैंड क्या है, आपका कोरल सिस्टम है इंडिया में, कोरल रीफ सिस्टम है, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख लेंगे कोरल रीफ सिस्टम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ द हिमाद्री वॉज फॉर्म्ड बाई वट टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो हिमाद्री किस तरह के रॉक से बनी हुई है, ये आपने बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हिमाद्री इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय इज़ ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। ठीक है, तो वहीं पे आप देख लेंगे हमारी जो माउंटेन रेंजेस है, लाइक माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है, नंगा पर्वत है, वो सब ग्रेटर हिमालय में ही पाई जाती हैं, यानी कि हिमाद्री में ही पाई जाती हैं। तो आपने बताना है कि हिमाद्री जो है वो किस तरह के रॉक से बनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर बन जाता है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, मेटामॉर्फिक रॉक्स, राइट? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फोर है आपकी स्क्रीन पर, विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज़ बाइसेक्टेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इन इन स्टेट्स में से कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, राइट? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए देखो सिंपल सी ट्रिक है, आपने याद रखना उसको मीरा। ठीक है, पहले लिखना हमने मीरा, मीरा एज JCB एट GMT। ठीक है, मीरा एज JCB एट GMT। तो MI से आ जाएगा मिजोरम, RA से राजस्थान। ठीक है, तो देन J से आ जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, C से आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, B से आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, एंड G से आ जाएगा आपका गुजरात, M से आ जाएगा आपका MP, एंड T से आ जाएगा आपका त्रिपुरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इन स्टेट्स में से ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से ही आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो ये ट्रिक आप लर्न कर लेना, जिसको पता है तो वेल एंड गुड। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर, इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द कुल्लू वैली सिचुएटेड। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कुल्लू वैली आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है। तो इसका राइट आंसर बन जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। नंबर सिक्स है आपकी स्क्रीन पर, विच इज़ द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन इन इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन बताने आपने इंडिया की। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑल्सो नोन एज दक्कन प्लेट्यू कहलाओ आप। ठीक है, तो एस्टिमेटेड अगर इसका देखेंगे हम एरिया, दैट इज 16 लाख स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये हम देखेंगे अगर कौन कौन सी स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, दैट इज़ आंध्र प्रदेश, देन केरला, फिर आपका कर्नाटक है, ठीक है, एंड महाराष्ट्र है उसके बाद, फिर लास्ट में आ जाता है आपका तेलंगाना। ठीक है, इन स्टेट्स में ये इसका मतलब एरिया जो है स्प्रेडेड है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। तो ये स्टेट्स इंक्लूड होती हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सेवन इज इन विच इंडियन स्टेट इज़ मिरिक लेक सिचुएटेड। ठीक है, तो इन आपके पास ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपने बताना है कि मिरिक लेक इन स्टेट्स में से किस स्टेट में सिचुएटेड है। ठीक है, तो मिरिक लेक इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, राइट?
तो गो जो है गो ऐसा इंडिया में कोई भी लेक नहीं है, इट इज़ इन एक्चुअली कनाडा, ठीक है। तो बाकी आप देख लेंगे हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में कौन कौन सी लेक सिचुएटेड है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट है आपकी स्क्रीन पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपने बताना है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनमें से कौन सी लेक जो है फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर बन जाता है, दैट इज़ रोहतक, ठीक है। रोहतक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो है कहाँ पे, दैट इज़ इन मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में। और मणिपुर में ही आप देख लेंगे जो केबुल लमजू है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये भी वहीं पे है, राइट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नाइन है आपके सामने। विच आर द फॉलोइंग सॉइल टाइप कवर द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का, कौन सी सॉइल इनमें से कवर करती है। तो इसका राइट आंसर बन जाता है, दैट इज़ एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल जो है वो कितना एरिया करती है, अब ध्यान में रखेंगे 43% जो है इंडिया का एरिया कवर करती है। एंड इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू द 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 40% ऑफ द पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एलुवियल सॉइल, जो यहीं से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो लैटराइट सॉइल देखेंगे आप, तो लैटराइट सॉइल हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये मिलती है आपको छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा में, राइट। तो लैटराइट सॉइल से बनता क्या है, लैटराइट सॉइल से यहाँ पे मैनली ब्रिक्स बनती हैं, एज नेम सजेस्ट, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर वन में ही बताया ब्लैक सॉइल के बारे में। फिर आ जाता है आपका सलाइन सॉइल। तो सलाइन ये नेचर में भी सलाइन होती है, ठीक है, और सैंडी होती है, राइट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टेन है आपके सामने। विच अमंग द फॉलोइंग लेक वॉज फॉर्मड बाई कॉलेजन ऑफ स्टेराइड, ठीक है। कॉलेजन ऑफ स्टेराइड की वजह से कौन सी लेक इनमें से बनी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, दैट इज़ लोनार लेक। अब लोनार लेक कहाँ पे है, इट इज़ इन महाराष्ट्र, ठीक है। लोनार लेक महाराष्ट्र में आ गई। तो उसके बाद अगर आप देखोगे नैनीताल लेक, ये जो मोरोरी जो है, इट इज़ एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक, ये जोमोरेरी है, जोमोरेरी लैड डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और फिर नैनीताल आ जाता है, नैनीताल आपको पता ही है ये उत्तराखंड में है, राइट। तो अष्टमुरी के बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि अष्टमुरी लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर इलेवन। क्वेश्चन नंबर इलेवन आपकी स्क्रीन पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। रिवर गंगा की आपने लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बतानी है। तो रिवर गंगा की अगर आप लेंथ देख लेंगे, दैट इज़ 2525, ठीक है, 2525। एंड इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर हम देखेंगे, दैट इज़ यमुना, ठीक है। जो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड से, ठीक है, और अलाहाबाद में ये गंगा को ज्वाइन करती है, राइट। तो ये पूछा जाता है कि इस पॉइंट पे जो मेजर ट्रिब्यूटरीज होती हैं वही आपने लर्न करनी है। अलाहाबाद में इसको ये ज्वाइन करती है। अगर लार्जेस्ट आपको ट्रिब्यूटरी पूछ दिया जाए रिवर गंगा की इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, तो दैट इज़ घाघरा, ठीक है, इसको भी आप माइंड में रखेंगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना, अगर लार्जेस्ट पूछ दिया जाए इन टर्म ऑफ वॉल्यूम तो दैट इज़ घाघरा, अगर खाली लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा पूछा है तो दैट इज़ यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ग्लोबली हमारे पास कितने हैं, ग्लोबली 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जिनमें से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हैं वो कहाँ पे हैं, 4 इंडिया में हैं, राइट। तो 4 इंडिया में हैं, उनमें से बताना कि इनमें से कौन सा जो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इंडिया का है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ वेस्टर्न घाट, ठीक है। एक आ जाता है आपका वेस्टर्न घाट, दूसरा आ जाता है आपका हिमालयस, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा के बाद आपके पास फोर्थ जो आ जाता है, दैट इज़ निकोबार आइलैंड, ठीक है। निकोबार कह लो या इसको सुंदरलैंड भी कहते हैं। तो ये चार जो हैं ये इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे। इन विच आर द फॉलोइंग रिवर इज द मजूली आइलैंड वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड, ठीक है। मजूली लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड जो है ये किस रिवर पे लोकेटेड है, दैट इज़ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 इज रणजीत सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ठीक है। रणजीत सागर डैम की बात की गई है, तो चिनाब तो हो नहीं सकता, चिनाब के ऊपर जितने डैम्स हैं आप सभी को पता है, ठीक है। तो जहलुम भी नहीं, एंड देन आपका ये जो ऑप्शन है इंडस वो भी नहीं, तो इट इज़ ऑन रिवर रवि। और ये है कहाँ पे,
ये है आपका पंजाब में, राइट। तो रणजीत सागर डैम इज़ आल्सो नोन एज थियन डैम, ठीक है, TH EIN। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, अगर थियन डैम दिया होगा होगा या रणजीत सागर डैम, तो दोनों सेम ही है। जो किसके ऊपर है, दैट इज़ ऑन रिवर रावी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से जियोग्राफी से ही है। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए परसेंटेज में, इन टर्म ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 33.33%, राइट। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए, वेदर इट इज इन जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। तो ये JKP कॉन्स्टेबल और फीमेल सुपरवाइजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले JKSSB एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए जो हैं उनको हम लाएंगे। टिल देन टेक केयर।